आई एम रामकृष्णा चार्ली। आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 की। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक प्रोग्राम से बताया था जो कि नेम प्रिंट करना था। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं। आप कोई भी की प्रेस करेंगे और वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम्स टू इनपुट ए कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट। ओके, ये एक प्रोग्राम, इसका हमें बनाना है। अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे, हम वो देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H डेटा डॉट कोड बिगिन बिगिन। ये मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये कॉमन है, ये हर प्रोग्राम्स में कॉमन होगा। और आप इसके डेफिनेशन को क्लियर जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये मॉडल्स मेरा प्रोग्राम साइज को बताता है, ये और स्टैक 100H मेरे प्रोग्राम स्टैक की साइज क्या है। डेटा में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोड में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। अब फाइनली हमें करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, मूव AH कॉमा 1 एंड 21H मूव DL कॉमा कॉमा AL मूव AH कॉमा 2 एंड 21H मूव AH कॉमा 4 CH कॉमा एंड 21H। ओके, ये मेरा प्रोग्राम्स लिख दिया है मैंने। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस फाइनली हम कर क्या रहे हैं। ये स्टेटमेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ये स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं। मूव AH कॉमा 1 एंड 21H फॉर इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। मैंने एग्जांपल में बताया था, जब मैंने आपको एड्रेसिंग मोड के लेक्चर में मैंने आप प्रीवियस बताया था ये चीज़ें, इनपुट और आउटपुट के, इनपुट के लिए क्या लिखते हैं और आउटपुट के लिए क्या लिखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, मूव इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये कर क्या रहा है। डीएल मेरा क्या है, डीएल मेरा एक रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है। एएल मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, जो कि ये 8 बिट के हैं। मैंने आपको बताया है ये कितने बिट्स के हैं। अब हमारा क्या किया, एएल की जो वैल्यू है वो डीएल में मूव हो गई। मैंने आपको पहले बताया था डेस्टिनेशन और सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन और सोर्स इंडेक्स, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मूव AH इंटरप्ट 21H। अब हम इसकी बात करते हैं, मूव फॉर CH क्या है। ये बेसिकली प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए है। रजिस्टर को नहीं पता है कि आप बाहर कैसे निकलना है, तो इसके लिए हम एक कमांड पास करते हैं जो कि मूव AH कॉमा 4CH एंड 21H है। और ये फिर फाइनली जब हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक एंड होता है, तो ये फिर एंड है, बिगिनिंग बिगिंग, और ये फिर एंड है। तो ये फाइनली हमारा एक प्रोग्राम है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ ये लेक्चर 4, वरना ये एरर देगा मुझे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि असेंबली 8086 में हम कमेंट कैसे करते हैं। ओके, दिस सिंबल से हम कमेंट करते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, ये ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम सेव मैंने किया है इसलिए सेव है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम सेव था, ये स्क्रीन ऑलरेडी सेव थी इसलिए, तो कंफ्यूज ना होना कि ओके। आप इसको सेव करेंगे और फिर इसको रन करेंगे।
अब ये फाइनली स्क्रीन पे कुछ नहीं देख रहा, इस पे ओनली वन प्रेस करना है कोई सा भी कीवर्ड, वो फिर उस कीवर्ड जो आप प्रेस करेंगे उसकी कॉपी कर देगा। ओके, मैंने प्रेस किया ए, ये जस्ट ए प्रेस किया और ए कॉपी कर दिया। ओके, तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। तो फाइनली इस वीडियो में बस यही प्रोग्राम्स मेरे को प्रिंट करना था। ओके, ये फाइनली मेरा आउटपुट शो कर रहा है इस ब्लैंक वाली स्क्रीन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, और भी मैं कुछ एडिशनल सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम से बताऊंगा विदाउट यूजिंग वेरिएबल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।